गुड मॉर्निंग एवरी वन स्टूडेंट, टूडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास टू मैथ्स। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास टू का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एडिशन पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्ट के बारे में। पिछले क्लास में एडिशन के बारे में पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट के बारे में। ऐड पढ़ चुके हैं आप, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मींस होता है घटाव। जैसे हुआ करना है क्वेश्चन आपका 6 - 1, 6 में से 1 जाए तो क्या बचेगा, 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 5। फिर 7 से 6 को क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ बचेगा, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे। ये टेंस वाले सब्ट्रैक्ट है, तो 10 में 3 जाएगा तो 3 के बाद काउंट करेंगे, जितने पर आएगा फिर नंबर पर, जितने उंगली पर आएगा आपको 3 के बाद, जितने 7 पर, 7 के बाद आएगा 10, तो यहाँ 7 लिखेंगे। 10 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा आपको 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब ये टेंस वाला हो गया, और इसमें है 1 टेंस और 2 वंस, 1 टेंस और 2 वंस को में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, 2 है, 2 से 7 बड़ा है, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। 10 देगा तो 2 और 12, 12 में 7 जाएगा तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 5, यहाँ लिखेंगे 5। इस तरह 13 से 4 को करना है, तो यहाँ ये भी आपको है 1 टेंस और 3 वंस, तो इसे 4 को करेंगे तो 3 छोटा है तो इसे बोरो लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। ऐसे इसको हम करना है फिर 15 से 8, तो 8 के बाद काउंट करेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 7। इस प्रकार फिर आपको यहाँ 15 से 7 तो क्या आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। इस तरह सब्ट्रैक्ट को करते हम आएंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस टाइप से आपका सब्ट्रैक्ट है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन सभी जो है वन टाइम सबको अपने अपने नोटबुक में बनाते रहना है। क्वेश्चन 5 पर आप फिल इन, जो खाली जगह दिया उसमें हमको क्या करना है, फिल करना है। तो 4 टेंस - 2 टेंस, तो 4 टेंस से 2 टेंस का सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 2 के बाद 3, 4, यानी कितना बचेगा, 2 टेंस। तो 4 टेंस से 2 टेंस सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया तो बच गया 2 टेंस, और 2 टेंस कितना होता है, 2 टेंस 20, तो वहां लिखेंगे हम 20। इस प्रकार दिया है 30 - 10, तो 30 में कितने टेंस हुए, 30 में 3 टेंस, और सब्ट्रैक्ट हो गया, और 10 में कितने टेंस है, 10 है तो 1 टेन, तो 3 टेंस में से 1 टेन गया तो क्या बचेगा, 2, तो 2 टेंस, और 2 टेंस कितना होता है, 20। तो इस प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह आपको सब्ट्रैक्ट जो भी है इस चैप्टर में सब्ट्रैक्ट के बारे में पढ़े हम लोग। इस तरह आपको क्वेश्चन को जैसे हम बताया है उस तरह से आपको क्वेश्चन को अपने नोटबुक में बनाते रहना है। 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग पढ़े हैं, तो 5 तक अपने नोटबुक में बनाकर और उसको रखना है, और इसको समझना है, फिर जैसे बताया है उसको समझ के उस तरह अपने नोटबुक में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज का आपका क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू।